आईपीएल 2020 की ऑक्शन की शुरुआत में अब बस कुछ चंद दिनों का समय बचा है और दोस्तों इस ऑक्शन के लिए अब सभी 8 टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और आज इस वीडियो में हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की एकदम पूरी ऑक्शन स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईपीएल 2020 की ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों को चेन्नई की टीम खरीदने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीमें जबरदस्त स्टार्ट करें तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास कुल 14.60 करोड़ रुपया पचा है और दोस्तों इतनी रकम में चेन्नई की टीम कुल 5 खिलाड़ियों को खरीद सकती है और इन 5 में से 2 विदेशी खिलाड़ियों को भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑक्शन में खरीद सकती है। दोस्तों ऑक्शन से काफी समय पहले ही रिलीज रिटेंशन पॉलिसी के दौरान चेन्नई ने पिछले स्क्वाड में से 19 खिलाड़ियों को अपनी टीम में दोबारा से रिटेन कर लिया था, जो कि है दोस्तों एक तो खुद महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रायना, फैव डू प्लेसिस, अंबती रायडू, मुरली विजय, ऋतुराज गायकवाड़, शेन वॉटसन, ड्वायन ब्रावो, केदार जाधव, स्कॉट कुगलेजियन, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंडर, मोनू कुमार, एन जगदीशन, हरभजन सिंह, करण शर्मा, इमरान ताहिर, दीपक चहर और साथ ही साथ केएम आसिफ। तो दोस्तों इन 19 खिलाड़ियों को तो चेन्नई की टीम पहले ही अपनी टीम में रिटेन कर चुकी है और यह 19 खिलाड़ी तो आपको अगले साल खेलते हुए देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम इनके स्क्वाड के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करें तो चेन्नई की टीम के पास इस वक्त कुल 5 प्रॉपर बल्लेबाज है, जो कि है एक तो सुरेश रैना, फैव डू प्लेसिस, अंबती रायडू, मुरली विजय और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़। तो दोस्तों अगर हम इन 5 बल्लेबाजों को ध्यान से देखें तो चेन्नई की टीम मिडल ऑर्डर को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में रहेगी और इसी वजह से एक या फिर 2 बल्लेबाजों को चेन्नई की टीम ऑक्शन में 100% खरीदने वाली है। दोस्तों चेन्नई की टीम ऑक्शन में कुल 4 बल्लेबाजों के पास चेन्नई की नज़र रहने वाली है, जो कि है एक तो इयान मॉर्गन, रॉबिन उथप्पा, शिमरॉन हिटमायर और साथ ही साथ रस्सी वेंडर दुसेन। दोस्तों यह चारों के 4 बल्लेबाज मिडल ऑर्डर में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। इयान मॉर्गन इनको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बल्लेबाजी प्रोवाइड करके देंगे। रॉबिन उथप्पा को दोस्तों ये जरूर खरीद सकते हैं क्योंकि ये इनको एक विकेट कीपर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, इनको ओपनिंग भी करके दे सकते हैं और साथ ही साथ मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। शिमरॉन हिटमायर इस वक्त काफी ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म में है तो इनकी तरफ तो ये जाने ही नहीं वाले हैं। और दोस्तों रस्सी वेंडर दुसेन भी दोस्तों इतनी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते हैं, नंबर 3-4 पर इनको मौका नहीं मिलेगा और इसी वजह से रस्सी वेंडर दुसेन को भी शायद चेन्नई की टीम ना खरीदे। तो दोस्तों इन 4 बल्लेबाजों में से रॉबिन उथप्पा के बिकने के सबसे ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर बल्लेबाजों के बाद ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों चेन्नई की टीम के पास इस वक्त कुल 7 ऑलराउंडर्स है, जो कि है शेन वॉटसन, डीजे ब्रावो, केदार जाधव, स्कॉट कुगलेजियन, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंडर और साथ ही साथ मोनू कुमार। दोस्तों चेन्नई के पास पहले से ही काफ़ी अच्छे खासे तगड़े ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद चेन्नई की टीम नहीं करने वाली है, परंतु फिर भी चेन्नई की नज़र आईपीएल ऑक्शन में कुल 7 ऑलराउंडर्स की तरफ रहने वाली है, जो कि है दोस्तों एक तो मार्कस टॉइनिस, जेबी निशम, क्रिस वॉक्स, ग्लेन मैक्सवेल, सैम कुरन, दीपक हुड्डा और साथ ही साथ क्रिस मॉरिस। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन 7 ऑलराउंडर्स में कुछ ज़्यादा ध्यान से तो नहीं देखेगी, परंतु फिर भी चेन्नई की नज़र दोस्तों दीपक हुड्डा और सैम कुरन पर रहने वाली है। सैम कुरन दोस्तों स्पिन को एम चिदम्बरम स्टेडियम में काफ़ी बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं, नंबर 5-6 पर आके काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी भी करते हैं और तेज गेंदबाजी भी काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करते हैं। दीपक हुड्डा का साथ भी दोस्तों सेम टू सेम यही सीन है, इंडियन ऑलराउंडर मिल जाएगा और इसी वजह से इन 2 ऑलराउंडर्स को शायद चेन्नई की टीम खरीद सकती है।
तो दोस्तों अब अगर ऑलराउंडर्स के बाद विकेट कीपर्स के बारे में बात करें तो चेन्नई की टीम के पास इस वक्त कुल दो प्रॉपर विकेट कीपर्स है। एक तो दोस्तों खुद महेंद्र सिंह धोनी और एक होने वाले है के जगदीशन। दोस्तों चेन्नई के पास दो काफी बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज है। चेन्नई की नजर ऑक्शन में कुल चार विकेट कीपर बल्लेबाज की तरफ थोड़े से रहने वाली है, जो कि होंगे दोस्तों एक तो टॉम बेंटन, हेनरिक क्लासन, एलेक्स कैरी और साथ ही साथ सैम बिलिंग्स। दोस्तों यह चार के चार विकेट कीपर बल्लेबाज काफी ज्यादा होनहार बल्लेबाज है। चारों के चार स्पिनर के खिलाफ काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। सैम बिलिंग्स की तरफ दोस्तों शायद सन्ने की टीम दोबारा ना जाए, पिछले दो सीजन में इनके लिए खेल चुके हैं। टॉम बेंटन के ऊपर दोस्तों चेन्नई की टीम पहले ही काफी इंटरेस्टेड रह रही है, तो टॉम बेंटन के ऊपर वैसे वह खरीद सकते हैं, परंतु इनके खरीदने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम है। तो दोस्तों अब अगर विकेट कीपर्स के बाद अंत में गेंदबाजों की सूची देखी जाए तो दोस्तों चेन्नई की टीम के पास इस वक्त कुल पांच गेंदबाज है, जो कि है दोस्तों एक तो हरभजन सिंह, करण शर्मा, दीपक चहर, इमरान ताहिर और साथ ही साथ केएम आसिफ। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास पहले से ही पांच काफी बढ़िया और जबरदस्त गेंदबाज है। दोस्तों चेन्नई की टीम के पास हरभजन सिंह, करण शर्मा, इमरान ताहिर जैसे जबरदस्त तीन प्रॉपर स्पिन बॉलर्स हैं, परंतु चेन्नई की टीम के पास जिस चीज की इस वक्त सबसे ज्यादा कमी है वो है दोस्तों फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलर्स दोस्तों इनके पास कुछ ज्यादा इस वक्त नहीं है। आप ही देख सकते हैं दीपक चहर के अलावा हमको कुछ ज्यादा ऑप्शन चेन्नई के पास नजर नहीं आते हैं। चेन्नई की टीम ऑक्शन में अपनी पेस बॉलिंग के सुधार के तौर पर जरूर उतरने वाली है। डीजे ब्रावो ये है जो चेन्नई के लिए काफी बढ़िया पेस बॉलिंग करते हैं। शेन वॉटसन ने दोस्तों अब गेंदबाजी छोड़ दी है और इसी वजह से चेन्नई की नजर अपनी तेज गेंदबाजी को सुधारने पर बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों इसी वजह से चेन्नई की नजर ऑक्शन में कुल सात तेज गेंदबाजों की तरफ रहने वाली है, जो कि होंगे दोस्तों एक तो पैट कमिंस, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, शेल्डन कॉटरेल, मैट हेनरी, एडम जाम्पा और साथ ही साथ क्रिस ग्रीन, एडम जाम्पा और साथ ही साथ पीयूष चावला। दोस्तों ये तीन स्पिन बॉलर्स हैं, दोस्तों इनके पास भी चेन्नई की टीम जा सकती है। हालांकि पीयूष चावला के बिकने के सबसे ज्यादा चांसेस है, एम चिदम्बरम स्टेडियम में काफी बढ़िया जबरदस्त गेंदबाजी कर सकते हैं। दोस्तों पैट कमिंस इनको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फास्ट बॉलिंग प्रोवाइड करेंगे। क्रिस जॉर्डन भी दोस्तों वैसा ही एक विकल्प है। शेल्डन कॉटरेल की तरफ दोस्तों बहुत ही सरप्राइज चांस होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चली जाए, परंतु जिस गेंदबाज के बिकने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो है दोस्तों पैट कमिंस। दोस्तों इनके लिए अंत में भी बढ़िया गेंदबाजी करेंगे, डेथ में भी, और साथ ही साथ नई गेंद से शुरुआत भी पैट कमिंस काफी जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो दोस्तों पैट कमिंस के ऊपर चेन्नई की टीम काफी तौर पर जा सकती है। तो दोस्तों यह थी चेन्नई की टीम की पूरी ऑक्शन स्ट्रेटजी। दोस्तों अगर हम अब ओवरऑल देखें कि किन किन खिलाड़ियों की तरफ चेन्नई की टीम जाने वाली है, तो दोस्तों वह कुल चार खिलाड़ी नजर आते हैं, जो कि है दोस्तों एक तो रॉबिन उथप्पा, टॉम बेंटन, दीपक हुड्डा और साथ ही साथ पैट कमिंस। रॉबिन उथप्पा के रूप में दोस्तों एक इनको बढ़िया मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएगा, विकेट कीपर का भी एक इंडियन विकल्प एक और ज्यादा मिल जाएगा, यह इनके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं। टॉम बेंटन के साथ भी दोस्तों सेम टू सेम सीन है, यह इनके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं, एक ओवरसीज विकेट कीपर का विकल्प मिल जाएगा। दीपक हुड्डा के रूप में दोस्तों एक इनको इंडियन बढ़िया ऑलराउंडर मिल जाएगा और पैट कमिंस के रूप में एक बड़ा ही जबरदस्त तेज गेंदबाज इनको मिल जाएगा। तो दोस्तों इन चार खिलाड़ियों की तरफ तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कंफर्म्ड रूप में नजर रखने ही रखने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ चेन्नई की टीम आईपीएल ऑक्शन में कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करने वाली है, मात्र पांच ही स्लॉट चेन्नई के पास इस वक्त बचे हैं। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अपने सभी स्लॉट्स को फुलफिल करती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम, तो दोस्तों यह थी आईपीएल 2020 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की एकदम पूरी ऑक्शन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जीत सकती है, तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2020 के सीजन में जीत सकती है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथी बार चैंपियन बन सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।
अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर आते हैं, तो अगर आप भी इंस्टाग्राम पर भी हमारा काफ़ी बढ़िया कंटेंट देखना चाहते हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए और मज़ेदार अकाउंट का इंस्टाग्राम पर भी फ़ायदा उठाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।